हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं नए चैप्टर अकाउंट में, जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऐसे तो ये चैप्टर आपको 11th स्टैंडर्ड में भी था, करेक्ट? बट 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में फ़र्क है फाइनल अकाउंट्स में। स्टूडेंट, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने किया था वो था सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट, और ये है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऐसे तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में। सोल ट्रेडिंग में एक ही ओनर होता है तो पूरा प्रॉफिट वो एंजॉय करता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो सब मिलके प्रॉफिट शेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में भी, 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में और 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में। तो चलिए पहले एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट पूरा, फिर बाद में हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, ये फाइनल अकाउंट बनता कैसे, स्टार्ट जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, इसकी स्टेप। सबसे पहला अकाउंटिंग की जो स्टेप्स है स्टूडेंट, सबसे पहला जो है हम लोग अकाउंट्स लिखने के टाइम पे क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री, बरोबर। जर्नल एंट्री साथ साथ में कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, जैसे कि परचेज सेल्स, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए हम लोग बुक्स अलग से बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक, जिसमें परचेज एंट्री होती है, सेल्स की एंट्री होती है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, ये सब अलग अलग बुक्स हम लोग अलग से बना के रखते हैं। और ये सब के एंट्री, ये सब बुक्स के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और ये सारी बुक्स को क्लोज करने के बाद में स्टूडेंट, जो भी बैलेंस, सॉरी, जो भी इफेक्ट होता है उसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल एंट्री के बाद में हम लोग लेजर में क्या करते हैं स्टूडेंट, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग होने के बाद में लेजर को क्लोज करते हैं, तो दो चीज़ होती है स्टूडेंट वहाँ पर। जब हम लेजर को क्लोज करने जाते हैं तो आइदर लेजर जो है वो क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर लेजर में कोई बैलेंस बचता है स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ चला जाता है, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ चला जाता है, ट्रायल बैलेंस में, ओके। तो ट्रायल बैलेंस में लेजर से जो अमाउंट होता है कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में। अगर लेजर का डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चला जाएगा, अगर लेजर का क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के वो क्रेडिट साइड में स्टूडेंट चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट हम लोग ट्रायल बैलेंस में मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट। ट्रायल बैलेंस में सब देने के बाद में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट, ओके स्टूडेंट। तो फाइनल अकाउंट की जो सम्स है ना, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस तो दिया होता है, साथ साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं स्टूडेंट, कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए होते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या, एडजस्टमेंट का मतलब हमने ना तो उस चीज़ की जनरल एंट्री पास की है, ना तो उसे हमने लेजर में पोस्ट किया हुआ है। इस वजह से एडजस्टमेंट की जो स्टूडेंट है वो दो इफेक्ट आते हैं, कितने इफेक्ट आते हैं, दो। तो मतलब एडजस्टमेंट वो चीज़ है जिसकी हमने ना तो जनरल एंट्री पास की है, ना तो हमने उसको लेजर में पोस्ट किया, जिसकी वजह से वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। और अब जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे उसका इफेक्ट देंगे तो दो इफेक्ट आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो दो इफेक्ट एडजस्टमेंट के आएंगे, तो ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट मिला के मेरा क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा स्टूडेंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली तीन चीज़ें हम बनाते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स के पहले की सारी जो एंट्रीज होती है, सेल्स करने के पहले की सारी जो एंट्रीज होती है वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अप टू सेल्स बोल सकते हैं, अप टू सेल्स जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स की करने के बाद में जितने भी इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे आपके P&L में आ जाते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट जो अकाउंट्स आएंगे वो सारे अकाउंट्स हो गए नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट्स हो गए, नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से भरा हुआ रहेगा, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने भी स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये सारे, ये दोनों टाइप के जो अकाउंट्स हैं इनका पूरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ओके। तो आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट से बना हुआ रहेगा, सारी जो नॉमिनल अकाउंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा स्टूडेंट। आगे दिया हुआ है, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। स्टूडेंट्स, ये जो फाइनल अकाउंट होता है वो हम लोग पूरे 1 ईयर का बनाते हैं, कितना, पूरे साल का अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट, करेक्ट। और इसके लिए हम लोग जो पीरियड चूज़ करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चूज़ करेगा, और उसके हिसाब से हम लोग सम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट और 11th का ट्रेडिंग अकाउंट अगेन बहुत सेम है, कुछ फ़र्क
नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, देखते पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, मैं काफ़ी स्लो जाऊंगा स्टूडेंट, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट वो सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, ठीक है, वो सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं जो हमें सेल करने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट के आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे डेबिट साइड में, वो सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस हैं, करेक्ट। और क्रेडिट साइड में स्टूडेंट क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आपका सेल आएगा, और सेकेंडली किसी भी तरीके से आपके पास से गुड्स जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? किसी भी तरीके से अगर आपके पास से गुड्स जाएंगे, बिजनेस के पास से गुड्स जाएंगे, तो सारा का सारा इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सेल में भी गुड्स जा रहे हैं, बरूबर। जब आप सेल करते हो तो गुड्स चले जाते हैं। सेल के अलावा कोई दूसरा तरीका होगा जिससे आपके गुड्स जा रहे हो आपके बिजनेस से, ठीक है, तो सारे जो इफेक्ट है वो कहाँ आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप एग्जांपल देख सकते हो, गुड लॉस बाय फायर, जब गुड्स जल जाते हैं तो हैज गुड एज वो बिजनेस से चले गए, कुछ काम के नहीं होते वो, ठीक है। गुड लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया गुड्स, तो भी वो बिजनेस से चला गया, ठीक है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री में बांट दिया कस्टमर्स को, हमने फ्री में बांट दिया क्योंकि हमें क्या करना था? एडवर्टाइज करना था स्टूडेंट, बरूबर। तो हमने कस्टमर को फ्री में गुड्स बांट दिया, तो ये क्या गया? इस तरीके से भी गुड्स चले गए। गुड लॉस्ट इन एक्सीडेंट, नुकसान, एक्सीडेंट हो गया, गुड्स वहाँ पे ख़राब हो गए, चले गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर्स गुड्स लेके चला गया। तो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड में किसी भी तरीके से अगर गुड्स जाएगा तो सब कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में टीसी बोलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं सिंपल टर्म में यूज़ करता हूँ आपको, ताकि ये याद रहे, किसी भी माध्यम से अगर आप बिजनेस से गुड्स जाता है, किसी भी माध्यम से अगर बिजनेस से गुड्स जाता है तो स्टूडेंट वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। प्लस एक और चीज़ आएगी, ग्रॉस सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट यहाँ पे होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो टीसी में है वो आपकी दो चीज़ें आएगी, किसी भी तरीके से गुड्स जाएगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। सेकेंड, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको गुड्स बेचने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज जो आपको गुड्स बेचने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग, नहीं सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपके कहाँ पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेंस है, परचेज, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, इम्पोर्ट ड्यूटी, कोल को, रॉयल्टी ऑन परचेस प्रोडक्शन, प्रिलिमिनरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी। ये सारी जो चीज़ें आपने देखी, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट को बेचने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये सारी बेसिक चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं स्टूडेंट। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा? प्लस ओपनिंग स्टॉक। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं, और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में किसी भी तरीके से गुड्स जाएगी, किसी भी माध्यम से गुड्स जाएगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके स्टूडेंट, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद में जब हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने जाते हैं तो हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा स्टूडेंट। अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी है, अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी है मतलब मेरा इनकम साइड, बरूबर ना, क्रेडिट साइड मतलब मेरा इनकम साइड, अगर मेरा इनकम साइड हैवी है बरूबर, और टोटल ये ज़्यादा आता है, ओके ना, तो मैं क्या करूँगा? जैसे लेजर हम क्लोज करते हैं वैसे इसे भी क्लोज करेंगे। जो हैवियर साइड है उसका टोटल का अमाउंट दोनों साइड में लिख दूंगा, और ये टोटल के अमाउंट को मैं इस सारे टोटल से क्या करूँगा? माइनस करूँगा। सारे टोटल से क्या करूँगा? माइनस करूँगा। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? एक अमाउंट मिलेगा जो होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कब मिलेगा? जब मेरा क्रेडिट साइड हैवी होगा स्टूडेंट। इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, अगर मेरा डेबिट साइड हैवी होता है, अगर मेरा एक्सपेंसिस साइड ज़्यादा होता है और इनकम साइड कम होता है, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? ग्रॉस लॉस। क्या मिलेगा स्टूडेंट? ग्रॉस लॉस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस लॉस, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे कैरिड डाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन या फिर ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, तो ये आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर
मिलेगा स्टूडेंट, करेक्ट, समझे यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको मे बी समझ में नहीं है, वो मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ फटाफट, ताकि आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। क्रेडिट साइड बहुत ईजी, डेबिट साइड की चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। परचेस, जो आपका बेसिक परचेस होता है उसको परचेस बोलते हैं। उसमें से कुछ अगर रिटर्न हमने कर दिया है वापस वेंडर को, तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे और यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का अगर हमें एडजस्टमेंट देना है, इफेक्ट देना है, तो हम यहाँ पे इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर कोई इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है, तो हम इसे सीधा बाहर के कॉलम में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे परचेस था, उसमें से मुझे रिटर्न करना था, तो मैंने परचेस को इनर कॉलम में लिखा, रिटर्न को माइनस किया, नेट इफेक्ट मैंने बाहर दिया यहाँ पे, करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट है कैरिज इनवर्ड। कैरिज स्टूडेंट मतलब गुड्स को इधर से उधर लेके जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, एक स्मॉल प्लेस के अंदर ही, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज, कैरिज इनवर्ड। एक और टाइप का कैरिज होता है स्टूडेंट, कैरिज आउटवर्ड। इनवर्ड जो होता है वो हम लोग मटेरियल को फैक्ट्री में लेके आने के लिए इनकर करते हैं। कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो सेल करने के बाद में कस्टमर को डिलीवर करने के लिए इनकर करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, कैरिज इनवर्ड आपका टीडी का आइटम है और कैरिज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का आइटम है। ओके स्टूडेंट, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेट, फ्रेट स्टूडेंट ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जब दूर से कहीं हम लोग गुड्स वगैरह लेके आते हैं, तो हम लोग उसके लिए टर्म जो यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, फ्रेट, क्या कहते हैं, फ्रेट। ओके, ये ट्रक वगैरह से कहीं दूर से मारा तो फ्रेट चार्जेस हम लोग उसको बोलते हैं। कैरिज अपने लोकल एरिया का हो गया। नेक्स्ट जो है अपना स्टूडेंट डॉक चार्जेस। क्या है अपना स्टूडेंट, डॉक चार्जेस। तो डॉक चार्जेस क्या होता है, जब हम कभी गुड्स परचेस करते हैं तो शिप वो गुड्स लेके आती है और पोर्ट पे पड़ी रहती है। तो जब वो पोर्ट पे शिप रहती है, तो उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, या फिर शिपिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो डॉक चार्जेस इनकर्ड करता है। तो ये भी एक्सपेंस परचेस से कनेक्टेड है स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना कस्टम ड्यूटी। अगर हमने कोई चीज़ बाहर से मंगाया है, कस्टम ड्यूटी को हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इम्पोर्ट ड्यूटी भी अलग से इन्होंने मेंशन किया है। तो कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है ये स्टूडेंट, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अगर हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो हम लोग गुड्स नहीं ला सकते फैक्ट्री में। तो ये भी कैसा एक्सपेंस हो गया स्टूडेंट, गुड्स को परचेस करने से कनेक्टेड हो गया। तो ये भी एक्सपेंस कहाँ पे आया, दोनों भी कस्टम ड्यूटी बोलो या इम्पोर्ट ड्यूटी बोलो, कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट अपना वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। वेजेस मतलब क्या स्टूडेंट, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, गुड्स को वर्किंग कंडीशन में, बेचने की कंडीशन में बनाने के लिए जो लेबर्स हम लोग रखते हैं, उनको जो हम पेमेंट करते हैं, उनको हम वेजेस कहते हैं। तो टर्म अगर वेजेस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। इसके विपरीत एक सैलरी करके टर्म अगर आ गया, तो सैलरी जो होता है स्टूडेंट वो पीडी में आएगा, ठीक है ना। वो कहाँ पे आएगा, पीडी, वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड नहीं होता सैलरी। सैलरी तो बेचने वाली एक्टिविटी हो गई, बरूबर ना, सेल्समैन को जो सैलरी दे वो सैलरी हो गया, तो वो अलग एक्टिविटी हो गया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपना डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बरूबर। वेजेस अपना डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और सैलरी आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कई बार स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी साथ में लिखा होता है। जब कभी भी दो टर्म साथ में लिखे होंगे, तो सबसे पहला जो टर्म आया उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, वेजेस आया, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हुआ है। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता ना स्टूडेंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाता है। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें जो होती है ना स्टूडेंट, वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए काम आती है। कोक, कोल, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए काम आती है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रॉयल्टी ऑन परचेस। वॉट इज़ रॉयल्टी स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। समझो, अज्यूम करो कि मैं एक पब्लिशर हूँ, या फिर आप लोग एक पब्लिशर हो, बुक प्रेस करते हो। ओके, तो आप बुक प्रेस करके बेचते हो और पैसे इनकर करते हो। बट आप बुक कब प्रेस कर पाओगे, जब आपको कोई कंटेंट मिलेगा तब ना। तो किसी बंदे ने वो कंटेंट लिख के दिया होगा, फिर मैं वो कंटेंट को पब्लिश कर रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, करेक्ट। तो एज अ बिजनेस मैन, जिसने मुझे कंटेंट लिख के दिया, उसको भी तो मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो अमाउंट मैं राइटर को दूंगा, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, रॉयल्टी। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया रॉयल्टी क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो रॉयल्टी भी एक टाइप का अपना मेन बिजनेस से कनेक्टेड एक्टिविटी हो गया। अगर वो बंदा मुझे बुक लिख के नहीं देता,
तो मैं इसको प्रेस नहीं कर पाता और मैं अर्न नहीं कर पाता, तो ये जो रॉयल्टी है परचेस पे वो क्या हो गया स्टूडेंट, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो पैकिंग बेसिक जो रिक्वायर्ड होती है पैकिंग के लिए, ठीक है, बेसिक पैकिंग रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोडक्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। बिना पैकिंग के हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं सकते, इसलिए प्राइमरी पैकिंग चार्जेस को भी हमने टीडी में लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, स्टूडेंट जब भी वर्ड फैक्ट्री आया, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न, इतना आपको याद रखना, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, जब भी वर्ड फैक्ट्री आया तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और स्टूडेंट अगर फैक्ट्री वर्ड नहीं आता है, ठीक है ना, जैसे रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, खाली इंश्योरेंस दिया हुआ है, खाली बिना फैक्ट्री के वर्ड ये सब आता है, खाली इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट, राइटिंग एंड हिटिंग, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाएगी स्टूडेंट, पीडी में जाएगी। अगर वर्ड फैक्ट्री लग जाता है आगे तो सीधा सीधा ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क मैनेजर सैलरी। स्टूडेंट वर्क मैनेजर बोला हुआ है मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स मैनेजर सैलरी, जो वर्कर्स काम करते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए, अगर वो बंदा नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ठीक से नहीं चल पाएगी स्टूडेंट, इसलिए वर्कर्स मैनेजर सैलरी जो है, ठीक है, सॉरी, वर्क मैनेजर सैलरी जो है वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट के सारे डेबिट आइटम्स की आपको अच्छे से खबर पड़ गई हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट के अगर आइटम्स आपको पता चल गई है तो इसके अलावा जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा स्टूडेंट, जो हमने अभी देखा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके अलावा जो भी अकाउंट होगा वो सारे के सारे पीएनएल में आएगी, आप आग बन करके पीएनएल में लिख सकते हो। तो आपको इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ों को प्रॉपरली समझना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और प्रॉपरली दिमाग में बैठाना है, एक बार ये बैठ गया, इसके अलावा जो भी नॉमिनल अकाउंट है सारे के सारे पीएनएल अकाउंट में आएंगे। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग पीएनएल अकाउंट भी देख लेते हैं, देख सकते हो स्टूडेंट आप लोग कितनी लंबी लिस्ट है पीएनएल की, ओके, काफ़ी लंबी लिस्ट है पीएनएल अकाउंट की, करेक्ट। तो इससे अच्छा बेटर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रॉपरली कर लो, ओके। एक चीज़ रहेगा स्टूडेंट आपको बताना, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप क्लोज करते हो तो ये जो बैलेंसेस है, ठीक है ना, अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो कहाँ पे लिखना चाहिए हमें, इनकम साइड में, तो ये प्रॉफिट अगर हो गया ये मेरा इनकम साइड है, क्रेडिट साइड जो होता है स्टूडेंट वो मेरा इनकम साइड होता है और डेबिट साइड जो होता है वो मेरा एक्सपेंस का साइड होता है, करेक्ट। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट को मुझे इनकम में रिकॉर्ड होना करना चाहिए, तो ये चला जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, करेक्ट। ये नीचे इसके समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर मुझे लॉस हो गया क्योंकि नुकसान है मेरा, तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, एक्सपेंस साइड में, तो ये जो ग्रॉस लॉस है स्टूडेंट कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना क्रॉस होगा ये चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ग्रॉस लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके। ये ट्रांसफर देखो यहाँ पे, यहाँ बताया हुआ अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, प्रॉफिट का बताया है, लॉस का यहाँ पे बताया हुआ नहीं, यहाँ पे अगर लॉस ट्रांसफर होगा तो वो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ओके। इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट, करेक्ट। और ये तो सारे एक्सपेंसेस है, और इसके अलावा सेल्स के अलावा या गुड्स जाने के अलावा कोई भी अगर मेरा इनकम साइड में इफेक्ट है तो सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ओके। तो ठीक उस जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, डेफिनेटली हमें कुछ बैलेंस मिलेगा। अगर मेरा इनकम साइड ज़्यादा है अगेन, ठीक है, क्रेडिट साइड मेरा इनकम साइड होता है, अगर मेरा इनकम साइड ज़्यादा है तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, डिफरेंस जो मिलेगा वो एक्सपेंस की साइड में मिलेगा और ये हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट। और अगर मेरा एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, नेट लॉस। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट लॉस है स्टूडेंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, आपको ये अकाउंट क्लोज करने पर मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस आएगा, वो हर पार्टनर उनके रेशियोज के हिसाब से क्या कर देंगे, बांट देंगे स्टूडेंट, उनके रेशियोज के हिसाब से क्या कर देंगे, उसे बांट देंगे, ओके। तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो समझ गया, ओके। अभी हम कुछ पॉइंट्स जो है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कनेक्टेड वो हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट,
आपको ये फंडा बहुत कम लोग बताएंगे। ओके, तो आपको मैंने जैसे कहा था कैरिज को लेके स्टूडेंट, कैरिज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, कैरिज आउटवर्ड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कैरिज इनवर्ड मैं लिख देता हूँ, कैरिज इनवर्ड, ठीक है, कैरिज इनवर्ड जो है कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और कैरिज आउटवर्ड जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ पे आता है, कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, करेक्ट। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गया, ट्रेडिंग कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन में खाली कैरिज दे दिया हो, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन में खाली फ्रेट दे दिया हो सिंगल टर्म, ठीक, कैरिज का एग्जांपल था, हम खाली क्वेश्चन में कैरिज दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है कैरिज और फ्रेट दोनों भी, जैसे मैंने आपको कहा था, तो वर्ड खाली कैरिज है खाली फ्रेट दे दिया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर वो इनवर्ड है कैरिज या फ्रेट इनवर्ड है तो आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हो, टीडी में रिकॉर्ड करते हो, अगर वो आउटवर्ड है दिया हुआ है तो आप उसको पीडी में रिकॉर्ड करते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। खाली वर्ड कैरिज ऑफ फ्रेट हो गए तो इट शुड बी अज्यूम, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, लिखा हुआ इट शुड बी अज्यूम टू बी इनवर्ड, हमें क्या कंसिडर करना है, इनवर्ड, खाली कैरिज है तो इसको कैरिज इनवर्ड लेंगे, क्या लेंगे, कैरिज इनवर्ड इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हैंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो अगर क्वेश्चन में खाली वर्ड कैरिज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, खाली वर्ड कैरिज है, खाली वर्ड फ्रेट दिया हुआ है तो उसको आपको टीडी में लिखना है, कहाँ लिखना है, टीडी में, स्टूडेंट ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग रॉयल्टी सीखते हैं, तो रॉयल्टी भी टीडी का आइटम था, हमने पढ़ा था टीडी में, तो अगर हम रॉयल्टी दे रहे हैं, अगर हम रॉयल्टी दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, ये डेबिट साइड में आएगा। अगर हमें रॉयल्टी मिल रही है, हमने कुछ कंटेंट लिखा किसी और को दिया तो हमें इनकम मिलेगा, अगर हमें रॉयल्टी मिल रही है तो कहाँ पे आएगा, वो पीसी में आएगा, कहाँ आएगा स्टूडेंट, पीसी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, करेक्ट। और अगर हम पे कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर वो पेमेंट मेरा प्रोडक्शन से कंसर्न है, किससे कंसर्न है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर मेरा पेमेंट सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सेल करने के लिए अगर मैं कोई टाइप का पेमेंट कर रहा हूँ रॉयल्टी का, तो वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सेल से कंसर्न होगा तो स्टूडेंट, ठीक है ना, ऐसा कोई सब नहीं जहाँ पे सेल से कंसर्न बताया हुआ, तो भी आपको ये पता होना चाहिए, अगर रॉयल्टी ऑन सेल्स हम पे कर रहे हैं तो पीडी में आएगा, अगर हम रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन पे कर रहे हैं तो वो टीडी में आएगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन पे करेंगे तो टीडी, सेल्स पे रॉयल्टी पे करेंगे तो पीडी, करेक्ट। खाली रॉयल्टी दिया तो क्या होगा अभी वो देखते हैं, इट इज अज्यूम टू बी डायरेक्ट एक्सपेंस, खाली वर्ड रॉयल्टी दिया हुआ तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हैंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मतलब टी डी, तो वर्ड खाली रॉयल्टी दिया है तो टी डी, वर्ड खाली कैरिज या फ्रेट दिया हुआ है तो भी टी डी, तो मतलब आगे का अगर टर्म हमें मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमें कहाँ पे लिखना है वो सारी चीज़ें, टी डी में लिखना है, करेक्ट स्टूडेंट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है हमेशा हमेशा याद रखना है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट में लिखा होता है, सिंगल अमाउंट लिखा है तो कोई तकलीफ नहीं, अगर दो अमाउंट लिखा है, दो अमाउंट मतलब कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ और उसका मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, अगर दोनों भी अमाउंट दिया हुआ स्टूडेंट तो आपको लोअर वाला अमाउंट चूज करना है, कौन सा, लोअर वाला, लोअर वाला जो अमाउंट होगा उसका वो अमाउंट आपको लिखना है। ओके, तो हमने तीसरी चीज देख ली, अभी चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड एक्सपेंस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, आप कोई कुछ समय देखोगे ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कोई कुछ समय देखोगे ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे तो कोई आगे पीछे टर्म भी नहीं है, कैरेज ऑफ रेट में तो कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड ये सब ऑप्शन था, बराबर है, ट्रेड एक्सपेंस कभी आप ट्रेडिंग के डेबिट में, कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये दो ऑप्शन पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कब, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा कब, जब कभी भी आपको सन्ड्री एक्सपेंस, कौन सा, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसिलेनियस एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, ठीक है, या फिर ऑफिस एक्सपेंस, ये चार एक्सपेंस को याद रखना है, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसिलेनियस एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये चार टर्म में से कोई भी एक टर्म भी अगर आ जाता है, ये चार टर्म में से कोई भी एक टर्म भी अगर आ जाता है
तो इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में स्टूडेंट, समझा। अगर क्वेश्चन में चारों भी टर्म नहीं है और खाली ट्रेडिंग ट्रेड एक्सपेंस लिखा हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस होना चाहिए, इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंस के अलावा चार टर्म, अगर कोई चार में से कोई भी एक टर्म होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये चार टर्म में से अगर कोई भी अगर टर्म नहीं है ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, ना तो सन्ड्री एक्सपेंस नहीं है, मिसलिनियस एक्सपेंस नहीं है, जनरल एक्सपेंस नहीं लिखा है, ऑफिस एक्सपेंस, ये चारों भी अगर एक्सपेंस नहीं है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में स्टूडेंट, पीडी, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में टीडी में आएगा, टीडी में कब आएगा, जब चार एक्सपेंसेस अलग अलग जो मैंने बोले सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ तो टीडी में, अगर ये चारों एक्सपेंस नहीं दिए हुए तो कहाँ आएगा, पीडी में, ठीक है। मेक श्योर कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन टू का यहाँ पे पीडी में दिया हुआ है, पीडी में, जब ये सारे एक्सपेंस सन्ड्री, मिसलिनियस, जनरल और ऑफिस एक्सपेंस आर नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में अगर ये चारों टर्म नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस पीडी में, ये चारों टर्म में से एक भी टर्म अगर ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रेड एक्सपेंस आएगा टीडी में, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के स्टूडेंट दो तरीके, एक तो है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में फर्क है। फिक्स कैपिटल में क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट आपका चेंज नहीं होगा। तो कैपिटल ऐसे वाले केस में, फिक्स कैपिटल मेथड के केस में, कैपिटल को अकाउंट को मैं सीधा लिख दूंगा लायबिलिटी में, कहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट, लायबिलिटी में, और जो लेजर बनाऊंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल का वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दूंगा, ठीक है ना, क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इसको भी मैं सी सी लिखता हूँ, करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। तो नेक्स्ट, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट का हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेजर, करेक्ट। यहाँ पे सीसी की जगह पे मैं लेजर लिख देता हूँ, यहाँ पे लायबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई ये लायबिलिटी में। वापस एक बार रिकैप कर देता हूँ आपके लिए मैं, और ये लेजर, ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है मतलब मेरा कैपिटल फिक्स होने वाला, वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, तो मैं सीधा इसको मैं लिख दूंगा लायबिलिटी में, जब फाइनल अमाउंट। और करंट अकाउंट जो है, जो मेरा चेंज होता रहेगा, करंट का मतलब ही चेंज है, पर जो मेरा चेंज होता रहेगा उसका मैं क्या बना दूंगा, लेजर, और सारे इफेक्ट जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे वो सब मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, करेक्ट। और नेक्स्ट है मेरा कैपिटल अकाउंट, खाली एक ही अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल अकाउंट का मैं लेजर बना दूंगा और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है सारे के सारे मैं कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो खाली कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर से रिलेटेड सारे इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों भी, जो कैपिटल अकाउंट का आपको लायबिलिटी में लिखना है और करंट अकाउंट का आपको लेजर बनाना, और पार्टनर से रिलेटेड सारे जो अमाउंट्स हो गए, ठीक है, सारे जो अकाउंट्स हो गए वो सब आपके करंट अकाउंट में आ जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे हम देखते हैं बैलेंस शीट, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सबसे पहले जो चीज़ है स्टूडेंट वो है आपका कैपिटल अकाउंट, फिर बाद में आपका करंट अकाउंट, इसके बाद में जितने भी चीजें हैं, ओके, यहाँ से आपका, ओके, यहाँ से आपके सारे के सारे पर्सनल और रियल अकाउंट वाली चीजें आ जाती है यहाँ पे, ओके। तो ये सब आपकी क्या लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज को स्टूडेंट मैं डिनोट करूंगा बर्डन, लायबिलिटी क्या हमारे लिए एक टाइप का बर्डन है, हमें पे करना है, बिजनेस के ऊपर एक बर्डन होता है, ओके। तो कैपिटल भी लायबिलिटी में क्यों होता है, आपको डाउट होगा भाई, बिजनेस जब स्टार्ट करता है ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है, बरोबर ना, तो बिजनेस की भी लायबिलिटी होती है कि भाई कल को अगर ओनर बिजनेस बंद करे तो जितना पैसा उसने लगाया उतना वापस उसको मिलना चाहिए, बरोबर, इसीलिए कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, समझा, क्यों हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि जो पर्सन है उसने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उसने बिजनेस में पैसा लाया, तो भाई जब वो बिजनेस बंद करे तो वापस वो पैसा बिजनेस से निकलना तो चाहिए ना, ओके। तो ये बिजनेस की ड्यूटी है कि जब बिजनेस क्लोज हो तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना या उससे ज्यादा अमाउंट ओनर्स को वापस मिलना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए ये कैपिटल जो है एक टाइप का लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी में सबसे पहला कैपिटल आइटम आना चाहिए, कैपिटल आइटम आने के बाद में कुछ रिजर्व्स वगैरह, रिजर्व मतलब सेविंग्स होता है, सेविंग्स वगैरह होगा वो आएगा, उसके बाद में सारी लायबिलिटीज आएगी। तो ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जिसको बैलेंस शीट लिखने का तरीका है, कैपिटल कभी भी लास्ट में नहीं आना चाहिए, कैपिटल हमेशा स्टार्टिंग में आना चाहिए, फिर
पहले कैपिटल अकाउंट आएगा, फिर करंट अकाउंट आएगा, फिर रिजर्व्स वगैरह आएंगे, फिर बाद में आउटसाइड लायबिलिटी आएगी, करेक्ट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एसेट। एसेट में भी स्टूडेंट लिखने का तरीका, सबसे पहले आपको फिक्स एसेट लिखने होते हैं। कौन से एसेट लिखने होते हैं? फिक्स एसेट, ठीक है। गुडविल आपका ये इंटेंजिबल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्सचर फिक्स एसेट, इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट, मोटर वैन आपका फिक्स एसेट, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका, प्रीमाइसेस आपका फ्री फिक्स एसेट, पेटेंट्स वापस इंटेंजिबल एसेट, लूज टूल आपका फिक्स एसेट्स। ओके, तो ये सारे यहाँ तक जितने भी आइटम्स ये वो सब आपके फिक्स एसेट्स हैं। फिर फिक्स एसेट के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद में आपको सारे करंट एसेट लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? करंट एसेट्स लिखने होते हैं, करेक्ट। ओके, और ये आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का स्टूडेंट कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है करंट अकाउंट का तो यहाँ पर आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है करंट अकाउंट का तो वो इफेक्ट यहाँ पर आएगा। ओके, तो आपको एक बेसिकली बैलेंस शीट के लिए स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट पहला, करंट अकाउंट बाद में, फिर बाद में सेविंग्स वगैरह, रिजर्व्स वगैरह, फिर बाद में आउटसाइड लायबिलिटी। और एसेट साइड में आपको पहले फिक्स एसेट लिखना है, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट लिखना है, फिर बाद में आपको करंट एसेट्स लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो था फॉर्मेट को लेके, वो पूरा फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट? कवर हो गया। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं फॉर्मेट तक, और फिर एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक नया स्लाइड बनाते हैं ऑल टुगेदर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, आपको अच्छे से समझ गया होगा और आपको सम सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।